बालको प्रबंधन के सहयोग से परसा भाटा चौक का पुनरुद्धार किया जाएगा। इसके लिए कोरबा के महापौर ने हाल ही में भूमि पूजन का शिलान्यास किया। अब इस चौक का नाम चंद्रशेखर आजाद चौक होगा। शिलान्यास के मौके पर कोरबा के महापौर श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि बालको देश की शान है, हमें उसकी शान बनाए रखनी है। श्री देवांगन ने विकास कार्यों के लिए बालको की ओर से मिल रही मदद की भरपूर सराहना की। बालको अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सीपी वैद्य ने कहा कि विकास के कार्यों में बालको प्रबंधन पूरा सहयोग देगा। इस मौके पर बालको के मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री एच के मेहता, वित्त एवं प्रशासन सह उपाध्यक्ष श्री अतुल मित्तल, सामुदायिक विकास विभाग के प्रमुख श्री आर के खेर, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री जोगेश लांबा और नगर निगम आयुक्त श्री जितेंद्र शुक्ला सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिकगण मौजूद थे। बालको प्रबंधन के सहयोग से बालको नगर के परसाभाटा चौक का जीर्णोद्धार करने की योजना है। नए चौक का नाम चंद्रशेखर आजाद चौक होगा। इसके शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोरबा के महापौर श्री लखनलाल देवांगन थे। इस मौके पर बालको अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सी पी बैद, मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री एच के मेहता, वित्त व प्रशासन सह उपाध्यक्ष श्री अतुल मित्तल, सामुदायिक विकास विभाग के प्रमुख श्री आर के खेर, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री जोगेश लांबा और नगर निगम आयुक्त श्री जितेंद्र शुक्ला सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद कोरबा के महापौर श्री लखनलाल देवांगन, विशिष्ट अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष श्री जोगेश लांबा और नगर निगम आयुक्त श्री जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र के विकास में बालको की भागीदारी अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अनुकरणीय है। बालको को जैसे देश का शान बोलते हैं, जब शान ही देश का इस बालको क्षेत्र में बसा हुआ है तो क्षेत्र का भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए और इसके लिए बालको से भी हमको सहयोग मिल रहा है। और आज मैं तो इतना ही कहूँगा कि बालको क्षेत्र के विकास के लिए सम्मानित वैद्य बैठे हैं, मैं उनको राशि तो नहीं कहूँगा, बाकी अपनी दिली इच्छा से बालको क्षेत्र के विकास के लिए वो करोड़ों रुपया घोषणा करेंगे, मैं तो ऐसा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है, ताकि बालको और हमारे नगर निगम मिलकर इस क्षेत्र बालको क्षेत्र का कायाकल्प हो और बालको क्षेत्र में आने वाले लोगों को भी लगे कि बालको प्लांट होने के कारण जिस तरह से बालको का नाम पूरा देश में है उस तरह से इस बालको क्षेत्र भी सौंदर्यीकरण या अन्य झुग्गी झोपड़ियों में विकास के से भी पीछे नहीं है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में खाली इसी काम पर और विराम नहीं लगेगा। अभी बहुत साल से चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से भी और बालको क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के लिए भी जो भी बालको से संभव हो सकेगा वह पूरा प्रयास करेंगे। बालको के प्रेसिडेंट मिस्टर बैद जहाँ साथ साथ थे, मैं स्वयं वहाँ पर था, तो माननीय मेयर ने उनसे निवेदन किया कि इस एरिया पे इस चौक के विकास हेतु बालको स्वयं कुछ सहयोग करे। इस बात को बहुत ही सहजता और सहजता से लेते हुए बैद साहब ने ये कहा कि इस चौक और तानसेन चौक जिसका अभी 1 जून को उद्घाटन हुआ था, इन दोनों चौक के निर्माण लोकार्पण समेत बाकी चीज़ों में बालको हर संभव मदद प्रदान करेगा। और मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा कि तानसेन चौक हेतु प्रेसिडेंट महोदय ने 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई थी और उनके सहयोग से उस चौक का स्वरूप आज काफ़ी बदला लगने लगा है। इसी तारतम्य में आज माननीय मेयर साहब और माननीय अध्यक्ष महोदय समेत सभी विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से आपके समक्ष इस चौक के उन्नयन के कार्यक्रम का भूमि पूजन कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मैं आप सभी को नगर पालिक निगम कोरबा की ओर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि दीपावली के पर्व के आसपास तक इस चौक का पूरा स्वरूप बदल जाएगा और तब हम माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नगरी निकाय के मंत्री जी और यहाँ आज मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम में इस चौक का लोकार्पण आयोजित करेंगे। नए चौक के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों को बालको अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सीपी बैद ने आश्वस्त कराया कि भविष्य में भी विकास संबंधी कार्यों में बालको प्रबंधन पूरा सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन बालको नगर और आसपास के क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। मुझे खुशी है कि जिस तरह से बालको के माध्यम से बालको नव प्रबंधन इस देश के इस क्षेत्र के विकास में एक मिसाल कायम करना चाहता है और
क्यों नहीं कोरबा आज एल्युमिनियम में एक सिंगल लोकेशन का सबसे बड़ा प्लांट कोरबा में है, जो कि आज से 5 साल पहले तीसरे नंबर पर था, आज अव्वल दर्जे पे है वापस। मैं मेयर साहब को और शुक्ला जी को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरे बालको नगर के सौंदर्यीकरण की जो प्लान्स हैं आप सामने लेके आए, जो भागीदारी हमारी बन सकेगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरी कोरबा नगरी और विशेषकर बालको नगर की तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि हमारी खुद की रणभूमि है ये, तो उसमें हमारी सहभागिता रहेगी।